तुम फाइटर पायलट बनना चाहते थे और फिर नॉन मेडिकल पढ़ रहे हाँ थे, तो जी फिर घर से लड़ाई करके चंडीगढ़ स्कल्पचर पढ़ने आ गए, आर्ट पढ़ने आ गए, तो बहुत ही कलरफुल जर्नी रही है हाँ जी तुम्हारी, तो बताओ ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली आर्ट तो मेरे को एज ए गॉड गिफ्ट मिला है। अच्छा, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मेरे को बचपन की मेमोरीज भी अच्छी से थे, सब कुछ याद है कहाँ थे मुझे। तुम बचपन में? मैं बिलोंग करता हूँ हरिद्वार से, अच्छा पापा BHL में जॉब करते थे। अच्छा तो लगभग 2.5-3 साल की एज से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं मिट्टी में बनाया करता था। और मेरे को अभी तक याद है मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग थी वो मैंने मेरे एलिफेंट बनाया था इमेजिनेशन से। मेरे पास में एक लड़का बैठा हुआ, उसने ड्राइंग की, उसको मैंने देखा, फिर मैंने मिट्टी बनाया था। तो बचपन से ड्राइंग कर रहा हूँ। पढ़ने में फिजिक्स अच्छी लगती है, अभी भी अच्छी लगती है, फिजिक्स। हाँ, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल लिया। दूसरा ये था कि मेरा एम था डिफेंस में जाने का, और फाइटर पायलट बनने का एम था कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा, आज जमीन पे हूँ। तो फिर क्या हुआ? बीच एक्चुअली 12th के में आर्ट का छोड़ दिया ख्याल? नहीं, आर्ट में रेगुलर करता था, हाँ, ड्राइंग करते पेंटिंग हाँ, करते थे। पेंटिंग करता था। मैं ड्राइंग काफ़ी की मैंने मैंने पहले बचपन में काफ़ी डाइटीज, इंडियन गॉड गॉडेस बनाए, और बहुत सारे मैंने व्हीकल डिज़ाइन किए जो मैंने लाइफ में कभी भी इस टाइम देखे भी नहीं थे। व्हीकल्स, हाँ जी, व्हीकल ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, और इमेजिनेशन जो मैंने ड्राइंग कभी देखी नहीं, कभी कोई व्हीकल देखा नहीं, वो भी ड्रॉ किए मैंने, वो आज भी मेरे पास कहने के रखे होंगे। अच्छा हाँ अच्छा जी, ओके। फिर आज देखते हैं वो सब उस तरह के डिज़ाइन मार्केट में हैं। तो तो ये क्या, बड़ा, गाड़ियां, स्कूटर, सब चीजें? हाँ, बसेस एंड कार्स, अच्छा, इंटरेस्टिंग। ओके ट्रक्स, बसेस, कार्स, 4 व्हीलर्स ओनली। अच्छा। तभी आपके पेरेंट्स ने सोचा कि आपको नॉन मेडिकल इंजीनियर बनना चाहिए? पेरेंट्स का था कि नहीं डिफेंस में जाना है, अच्छा, पहले से उनका प्रेशर था कि डिफेंस में जाना, मुझे खुद भी अच्छा लगता है डिफेंस। फिर 12th किया, तो 12th के बाद प्रॉब्लम ये आई कि पापा रिटायर हो गए, तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आगे पढ़ाई नहीं करनी। मैं करता BSc, लेकिन मैं फिर रेगुलर पढ़ नहीं पाया, फिर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया क्योंकि आगे स्टडी करनी थी मेरे को, तो प्राइवेट मैंने BA किया। लेकिन काफ़ी फील हुआ मेरे को कि मेरे का सडनली मेरा फील्ड चेंज हो गया, मेरा आगे BSc करने का एम था। फिर 3 साल BSc के लगाए, और उस दौरान मेरे को मेरे का गुरु जी मिल गए सडनली, इत्तिफाक से मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिल गए। तो उनके पास मैंने पहले अपना 12th तक का काम दिखाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाओ, कौन थे ये? श्री BS चौहान सर। फिर मैंने उनके पास 5 साल सीखा, उनके पास आउट एंड डेज में जाते रहे, हफ्ते में तीन तीन, एक एक दिन छोड़ करके, पेंटिंग सीख रहे थे हाँ, अंदर? पेंटिंग्स। तो 5 ईयर्स डिप्लोमा मैंने उनके अंडर किया, ये यही प्राचीन कला केंद्र से, वहाँ सेंटर था एकदम सेंटर, तो उनके अंडर मैंने वहाँ पे 5 साल का डिप्लोमा किया। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि आगे जाओ, किसी आर्ट स्कूल में चले जाओ। वो पहले मेरे को बहुत पहले से बोलते थे, मैं कहता था सर मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि जाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि बाहर सर्वाइव कैसे करोगे। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम तो मेरे लिए है, कह रहे फिर कैसे करेगा, यहाँ पे रह जाएगा, आगे कुछ सीख नहीं पाएगा। उन्होंने बोला कि बाहर तो बाहर काफ़ी कुछ अच्छा स्कोप है, और तुम कुछ सीखोगे बाहर जा करके, नए फील्ड में बाहर जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो कुछ नया सीखोगे। कह रहे कि पेंटिंग तो मेरे पास जितना सीख लिया है उतना काफ़ी है, एक्सप्लोर करो बाहर जा करके। मैंने कहा सर देखते हैं। फिर मैंने वो अपना डिप्लोमा पूरा किया, साथ में मेरे को एक जॉब मिल गई। मेरे पास डिग्री नहीं थी, आर्ट की डिग्री नहीं थी, लेकिन मैं कहीं पे स्केच बना रहा था, किसी फ्रेंड ने आगे किसी को दिखा दिया, तो पहले मेरे को एक गांव में जॉब मिली एज ए संस्कृत टीचर, क्योंकि मेरी संस्कृत काफ़ी अच्छी होती थी, अच्छा, और जूनियर क्लास में ग्रामर पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। तो मेरा स्टार्टिंग हुआ 2000 के अराउंड, ईयर 2000 था। तो संस्कृत टीचर एक छोटे से गांव में, पुराना स्कूल था, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है उसको आनंद मार्ग, तो मैंने पढ़ाया, 1 साल लगाया, और उस टाइम मेरी सैलरी आप बिलीव नहीं करोगे 500 रुपीज़ पर मंथ। 2000 में? हाँ जी, लेकिन मेरे को टीचिंग में बहुत मज़ा आने लगा उस टाइम, फिर मैं अच्छे से पढ़ाता था। फिर वैसे ही मेरा किसी, मैंने पोर्ट्रेट्स करने का बड़ा शौक था, मैंने पेन से बहुत पोर्ट्रेट्स किए, डायरेक्टली पेन से, फ्रेंड्स के, क्रिकेट खेलते थे हम, सारे फ्रेंड्स के बनाए, उसके कुलीग्स के बनाए, जो उसके कोई प्रोफेशनल उनके कुलीग्स के बनाए, आस पड़ोस में मार्केट है तो वहाँ पे लेबर वगैरह काम कर रहे थे, उनको बैठा लिया, तो स्केच कर लिया उनका। तो ऐसे किसी ने किसी के थ्रू काम देखा मेरा, फिर उसने आगे, वो कहीं जॉब कर रहा था, स्कूल था दून कैम्ब्रिज, हरिद्वार में है, मेन ब्रांच की देहरादून में, तो उसने वहाँ पे प्रिंसिपल को दिखाया, उनको अच्छा लगा। फिर उस फ्रेंड ने मेरे को, फ्रेंड के थ्रू जो फ्रेंड था, उसने मेरे को बुलाया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ना एक टीचर की ज़रूरत है, आप पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, फिर देहरादून से जो डायरेक्टर थे वो आए इंटरव्यू के लिए, उनको अच्छा लगा। उन्होंने ये देखा मेरे पास डिग्री है नहीं है, उन्होंने काम देखा बस,
और जैसे आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हो, वो सामने बैठी हुई डायरेक्टर प्रिंसिपल थी वहाँ की, मेरे से सवाल कर रही है, कह रहे स्केच करो, कह रहे कि रुकना नहीं है, बोलना भी है और स्केच भी करना है। वो मैंने बैठे बैठे उनका स्केच किया पेंसिल में, हार्डली 5-7 मिनट में स्केच कर दिया। उनको बड़ा अच्छा लगा, इम्प्रेस हुई, कहती मेरी बेटी को बनाओ। मैंने बनाया, उनको और अच्छा लगा, कहती है अच्छा ठीक है कल से आ जाओ। मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया। फिर सैलरी वेल डिस्कस हुई, काफ़ी कम थी वहाँ भी सैलरी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम सैलरी का इतना था नहीं, 1800 सैलरी थी। फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर 1 साल किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बिना डिग्री के तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। ठीक है, कोई भी आके क्लेम कर सकता नहीं जी हम एलिजिबल हैं, हमें यहाँ पे रखो, तो वैसे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा करियर और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी, गाइडलाइन पहले मिली नहीं। हाँ एक है मेरे गुरुजी का सपोर्ट था, उन्होंने काफ़ी बाद में बोला, फिर मेरे को लगा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे 1 साल जॉब की, फिर मैंने जितनी भी सैलरी थी पूरे साल की सैलरी मैंने इकट्ठी की, फिर मैंने घर में से लड़ाई कर ली कि नहीं मुझे पढ़ने जाना है, मैं तो करूँगा, घर वाले नहीं मानते थे। फिर किसी फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि चंडीगढ़ में ऐसे ऐसे होता है, कोर्स होता है। फिर उस फ्रेंड के थ्रू मैंने फॉर्म मंगाया, चंडीगढ़ आया, फॉर्म भरा, फिलअप किया और अपनी सारी सैलरी मैंने यहीं पे लगा दी एडमिशन में। फिर ये एडमिशन हुआ और 12th के परसेंटेज कम थे, तो इस वजह से मेरे को स्कल्पचर मिला। मेरे को पेंटिंग पसंद है बचपन से, पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। दूसरा फिर फर्स्ट काउंसलिंग में स्कल्पचर मिला, क्योंकि रैंक मेरी नीचे आ गई 12th के परसेंटेज की वजह से। तो एक नया फील्ड है मेरे लिए, स्कल्पचर की ABCD कुछ नहीं आती थी। दूसरा मेरे टीचर ने जो गुरुजी थे उन्होंने बोला था कि बाहर जाएगा तो या तो अप्लाइड आर्ट लेना या स्कल्पचर लेना, क्योंकि पेंटिंग तूने सीख ली है आगे एक्सप्लोर कर लेना, बेकार में 4 साल और लगाएगा इस पर। मेरे को अजीब से लगता था मैं क्या करूँ, थोड़ा सा उलझन थी। फिर यहाँ पे आया, सेकंड काउंसलिंग का मेरे को इसमें नंबर आ गया, फिर मैंने सर की बात याद की, मैंने स्कल्पचर पे करिए, मैंने स्कल्पचर लेना है। फिर मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने हॉस्टल में सब ने बहुत डराया, स्कल्पचर तो नहीं लिया तो फंस गया, बहुत खर्चीला है, ये है, टफ है। मैं बड़ा अपसेट हो गया, मैंने कहा क्या करूँ, हॉस्टल की फीस जमा करनी थी, मेरा इतना मन हो गया कि मैं छोड़ के चले जाऊँ। मैंने अपना सामान पैक किया, हॉस्टल की फीस जमा करनी थी 46 में, हमारा 46 के अंडर था उस टाइम। मैं बस स्टैंड चला गया, मैंने पापा को फ़ोन किया शाम को 5:30 बजे, मैंने कहा पापा मैं बस पकड़ के आ रहा हूँ घर, मैंने कहा मैंने नहीं करनी पढ़ाई, मैंने कहा बहुत खर्चीला है, मैंने स्कल्पचर ले लिया और मुश्किल हो जाएगी। तब मेरे पापा ने उस टाइम पे पता नहीं कैसे सपोर्ट किया, पापा ने कहा नहीं ऐसा है तेरा एडमिशन हो गया और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पे तो एडमिशन ही नहीं होती, तो बड़ा लकी है वहाँ पे कर ले। तो पापा ने उस टाइम मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, कह रहे जैसे ऐसे है देखी जाएगी तो कर ले एडमिशन ले ले। बस फिर पापा कहना था, मैंने वहाँ से वो बस ड्रॉप की, मैं टिकट भी ले चुका था बस की। अच्छा। मैं बस ड्रॉप की मैंने, फिर मैं सीधा 46 चला गया, तो रहने का ठिकाना नहीं था वहाँ, किसी फ्रेंड के थ्रू रह गया, मतलब वही कॉलेज के कोई सीनियर थे वहाँ थे। फिर नेक्स्ट डे मैंने फीस सबमिट की, फिर मैं वापस हॉस्टल में आया। तो इसका मतलब ये उम्मीद कि आपको पढ़ना ही था, स्कल्पचर ही करना था। तो कैसे गए 4 साल वृंदर, स्कल्पचर ले लिया, जो सबने बोला था वो सही था क्या, बहुत टफ मीडियम है क्या, बहुत खर्चीला है, आपको क्या मुश्किलें आई और क्या सीखा, कभी रिग्रेट किया कि पेंटिंग नहीं ली और स्कल्पचर लिया कि नहीं? पेंटिंग का तो अभी भी फील होता है कि पेंटिंग से मैं काफी साइड हो गया। अच्छा। क्योंकि स्कल्पचर फील्ड में आने के बाद मैं उतना टाइम नहीं दे पाया कि मैं पेंटिंग करूं, हालांकि अब मैं कर लेता हूं, लेकिन वो बड़ा फील होता था, शायद आज भी होता है कि पेंटिंग कितनी अच्छी थी और एकदम से मैं स्कल्पचर में आ गया, वो पीरियड भी अलग था, ये पीरियड अलग है। हालांकि टफ जो कहते हैं कि टफ टफ मैं कुछ समझता नहीं हूँ। okay. मतलब मेरा जो फिलोसफी है, जो मेरी थ्योरी है, फिर जो मेरा थिंकिंग है, जो टफ है उसको पहले करो, ठीक है, ईजी तो सब कर लेते हैं। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, मैंने कहा कि टफ से पीछे नहीं भागना, टफ को पहले करो, क्योंकि आप उसमें सीखते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। और दूसरी बात है, आप मेहनत करोगे तो टफ क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं है। बात यह है जैसे मेरे लिए था सर्वाइव करना, मेरी लड़ाई थी कि मेरे को ये मटेरियल है इससे क्या बनाना है, ये प्रॉब्लम मतलब एज ए फील्ड में, स्कल्पचर फील्ड में मेरे लिए नहीं थी, लेकिन उसका इतना डर नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि ये मटेरियल मैं कैसे लाऊंगा। मतलब कागज कलम की लड़ाई थी कि कागज कलम कहाँ से लेके आए, ये वाली बात थी, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा डर था और
बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल किया यहाँ पे कॉलेज में पढ़ना, शाम को कहीं पार्ट टाइम के लिए ढूंढना, नौकरी करना, हाँ। तो इस चक्कर में मैं कभी छुट्टियों में घर नहीं गया, समर वेकेशन मैंने यहीं पे गुरुद्वारा में खाना खा रहे हैं, पीजीआई में जा करके, हॉस्टल बंद हो जाता था, रात को छत पे सो रहे हैं, चोरी से सो रहे हैं, सुबह उठ के फिर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं क्या करें। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में जाके एक स्कल्पचर फैक्ट्री में मोहाली में जॉब, मतलब पार्ट टाइम ऐसे किया, फिर वहाँ पे हम काम करते थे, शाम को कॉलेज से निकल के सीधा वहाँ पे साइकिल लेकर दौड़ना, फिर वहाँ पे काम करना। और हमारा ना दिहाड़ी होती थी कि आपको 50 रुपीज़ पर डे मिलेंगे, लेकिन वो पर डे का हिसाब ना अजीब होता था, मीन्स आवर्स, आप कितने घंटे लगा रहे हो, 8 से 12 घंटे होंगे तब हमारे आपके, सॉरी 150 रुपीज़ तब आपके, हमारे तब आपके 150 रुपये बनेंगे। तो ऐसे एक महीना काम किया, मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, फिर मैंने खुद की साइकिल, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी 300 रुपीज़ की वो आज भी मेरे पास है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्ट्रगल किया और अपने फील्ड में लगे रहे तो कुछ सीखा भी है, हालांकि टफ था लेकिन बड़ा अच्छा लगा, स्ट्रगल में मजा आया। और पेंटिंग से बिल्कुल अलग था स्कल्पचर, तो एक नया बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो फाउंडेशन था, उसमें सभी फील्ड में काम करते हैं, अप्लाइड में, ग्राफिक्स में, सब में। लेकिन जब सेकंड ईयर में आया तो प्रॉब्लम थी कि क्या करूँ, कैसे करना है, क्योंकि 3D में करना फिर समझ नहीं आता, फिर सोचता रहा। फिर टीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिले उस टाइम पे, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया टीचर्स ने। फिर मैंने ऐसे बैठा हुआ, मैं परेशान था, तो ऐसे सडनली एक पता नहीं किस बात से एक टॉपिक दिमाग में आया, मेडिटेशन। फिर मैंने अपना पहला स्कल्पचर उसी में किया, तो मेरा पहले मैंने रिलीफ बनाया, एक इतना बड़ा रिलीफ बनाया मैंने, हाई रिलीफ किया उसको, काफ़ी वो कास्ट किया। फिर मेरा फर्स्ट स्कल्पचर था, इसको मैंने टाइटल दिया था फर्स्ट स्टेप, स्टैंडिंग पोजिशन थी एक बुद्धा को, उसको सेमी रियलिस्टिक वर्क किया उस पर। फिर उसके बाद फिर मैंने थर्ड ईयर में जब किया, फिर मैंने थोड़ा टॉपिक और चेंज किया, उस थीम पे भी काम करता रहा, मेडिटेशन पे, उस पर मैंने बाद में भी काम किया है, स्टोन में भी काम किया है। फिर उसमें मैंने अपना टॉपिक भी चेंज किया, कन्वर्सेशन। तो मेरे को टाइटल समझ नहीं आता मैं टाइटल कैसे दूँ, तो टीचर थे उनके टाइटल्स को मैं खुद ही अपने टाइटल में डाल देता था तो मैंने सीरीज बनाई वहाँ पे। फिर एक सीरीज आई, उसमें मैंने सैक्सोफोन की फॉर्म को लेके काम किया, थर्ड ईयर मेरा पूरा काम एक जैसे फॉर्म पे रहा, वही फॉर्म थी, उसी को मैंने अलग अलग तरह से काम किया। सैक्सोफोन, तो वो कहाँ से, म्यूजिक का एस्पेक्ट कहाँ से आया? एक्चुअली यहाँ पे चंडीगढ़ में भी मैं ट्यूशन करता था। अच्छा। क्योंकि सर्वाइव तो करना है। हाँ जी। तो फिर शाम को मैं बच्चे पढ़ा रहा था 27 सेक्टर में, बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ उसको, ड्राइंग सिखा रहा हूँ, माइंड में एक फॉर्म आई, मैंने वहीं पे एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया म्यूजिक को लेकर के। फिर रूम में आया, हॉस्टल में सोचता रहा उसको, फिर मैंने वहाँ पे ड्राइंग उसको पूरी ड्राइंग की। फिर नेक्स्ट डे से मैंने काम किया। फिर थर्ड ईयर के एंड में जाके मैंने टेराकोटा शुरू किया। तो ये काम किस मटेरियल में था, जो सैक्सोफोन वाला सीरीज? ये फाइबर में। ये फाइबर में, क्योंकि उस टाइम थर्ड ईयर में आके कमर्शियल काम मिलने लगा था। अच्छा। मार्केट का तो वहाँ पे भी फाइबर में काम करते थे, बहुत काम किया फाइबर में। तो फाइबर में काम करना, फिर अपना काम भी फाइबर में, उसी पैसे से फिर अपने काम पे लगाते थे। तो उससे मटेरियल आ जाता था। हाँ। ओके। और उसके बाद फिर आपने टेराकोटा में टेराकोटा। ओके। तो उस पे क्या सब्जेक्ट्स या थीम्स थी टेराकोटा में? मेरा मैंने पहले जो मेरी बेसिक्स फॉर्म थी जो मैंने सीखी थी उसी को मैंने ग्रो किया। तो कॉइलिंग से मैंने काम स्टार्ट किया, सर ने सिखाया कि ऐसे ऐसे कॉइल करना है, ऐसे ऐसे ग्रो करना है। तो मेरा फर्स्ट स्कल्पचर जो टेराकोटा का था वो 3 फीट हाइट का सिंगल पीस मैंने कॉइल से किया, बेक किया। और टेक्निकली मैं साउंड नहीं था, वो तो मैंने गाइडेंस से कर लिया, काफ़ी अच्छे से कर लिया। जब बेकिंग का टाइम आया तो प्रॉब्लम ही थी कि क्योंकि उसमें कहीं होल नहीं था, सब लोग डराने लगे ये तो ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। फाउंड्री में वहाँ पे खुद भट्टी हमने बनाई टीचर्स के साथ मिल करके, सारे कॉलेज के बच्चे, जितने बच्चे थे सबके काम वहाँ पे डाल दिए। बेकिंग स्टार्ट हो गई, एक पारसा आए हुए थे, कुम्हार थे, तो उन्होंने भट्टी स्टार्ट कर दी, कह रहे कब कल खोलना। तो कल मैं नेक्स्ट डे पहुँचा वहाँ पे, ज्वाले सर मुझे कोई नहीं मिला, सिर्फ ज्वाले सर मिले वहाँ पे कॉलेज के। कहते उन्होंने मेरे को बुलाया मैसेज करके, कह रहे कि बाकी लोगों को मैंने बुलाया नहीं क्योंकि तू सियाणा है, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया कि तू ढंग से खुलवा देगा। मैंने कहा सर चलो ठीक है। हमने एक ही काम किया, जैसे वो शेड उठाया, काम टूटे हुए पड़े हुए थे,
प्लेट्स थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर फाउंडेशन के बच्चों का काम होते हैं वो टेराकोटा क्या होता है ड्राई होना चाहिए, क्ले ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, गीले काम थे कुछ वैसे ब्रेक हो गए, एक काम खराब होगा ब्लास्ट होगा दूसरा काम भी जाएगा, तो हम निकालते रहे टुकड़े निकलते रहे अंदर से निकलते रहे निकलते, फिर मेरे क्लास में काम आया उसके 6 टुकड़े रखे थे, उसकी भी बड़ी कंपोजिशन थी 6 टुकड़े रखे थे, फिर एक लड़की थी उसके काम निकला उसके 4 टुकड़े रखे थे, फिर जूनियर्स के 3-4 काम थे बड़े बड़े काम थे टेराकोटा के, वो भी पीसेस निकले हुए थे, कुछ में श्रिंकेज हो गई थी, इतना 2-2 इंच का गैप गायब ही हो गया, हमने 3,000 काम निकाले, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ठीक कर लूंगा, वो क्यों, क्योंकि सर को मैंने एक बार संजीव सर उनको मैंने काम करते हुए देखा, मैं यहाँ बैठा स्टोन कर रहा हूँ और वो 20 फीट दूर बैठे हुए एक काम था किसी स्टूडेंट का उससे गिर गया टेराकोटा था टूट गया वो लड़की रोने लगी, सर ने कहा रो मत मैं कर दूंगा ठीक तू टेंशन मत ले, तो सर ने काम के टुकड़े का इकट्ठे कर ले, सर ने काम के टुकड़े इकट्ठे किए बोला चल पीओपी निकाल पीओपी को मिक्स कर उसमें ग्रॉक के साथ फेविकोल डाल, तो सर वहाँ स्पैचुला से ना उसको रिपेयर कर रहे थे और उसके बीच में जो गैप होता है उसमें उन्होंने मिट्टी उठाई मिट्टी को अंदर से भर दिया, सपोर्ट चाहिए ना फिलिंग करने के लिए, तो सपोर्ट मिलती रही वो करते रहे, मैं वहां से देखता रहा मैंने कहा जोर कैसे रहे, मैंने पूरा ऑब्जर्व किया वो अच्छे से, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, फिर मैंने जब लास्ट में फाउंड्री में से मैंने अपना काम निकाला मेरा काम बिल्कुल सही था, सबसे नीचे रखा हुआ था और मैं हैरान सबके काम टूट गए मेरा बच गया, हल्का सा माइनस से क्रैक था, मैंने निकाल लिया और एनुअल एग्जीबिशन थी हमारे कॉलेज की, सारे बच्चे परेशान जो जूनियर्स थे कि हमारे तो काम खराब हो गए, मैंने कोई बात नहीं मेरा क्लासमेट खुद परेशान, जैसे हम 4 टांगे पकड़ के लेके आते हैं 4 पाई पे कोई डेड बॉडी उस टाइप से हम काम लेके आ रहे हैं, वो परेशान हो गए कह रहे वीरू क्या करूँ मैं, मैंने कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, मैंने कहा तू ऐसा कर तू दूसरी हेल्प कर दे ये काम को छोड़ दे टेंशन मत ले, कह रहे कर देगा पक्का, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा, फिर मैंने एक एक करके एक एक पीस वैसे अरेंज किया जैसे सर ने वो काम अरेंज किया था, अंदर मिट्टी लगाई पीओपी बनाया फेविकोल डाला लगातार पूरा काम जोड़ दिया, मैंने ऐसे 6 बच्चों के काम जोड़े, मेरे 2 क्लासमेट्स बाकी 4 लड़कियां और थी जूनियर थी, वो जैसे आए सडनली सरप्राइज ये कैसे हो गया, मैंने कहा ऐसे होता है, फिर कलर भी खुद किया उनको, फिर मैंने कहा कि ठीक है मेरे को एक्रेलिक ला दो, फिर एक्रेलिक कलर और फेविकोल मिक्स करके लगाया फिर वो काम रिपेयर हुए, तो उस तरह से एक मतलब एक नॉलेज मेरे लिए थी कि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ और मैंने वो अचीव भी किया जी। दूसरा कभी कभी सर गुस्से में बोलते थे कि तुम तो गधे हो खराब हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकते ठीक करना आना चाहिए, वो चीज मेरे माइंड में ऐसे बैठी, मैं आज भी अपने जब बच्चों को सिखाता हूँ मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि बच्चों अच्छा हर कोई कर लेगा हर कोई कर भी सकता है, जिसको नहीं आता वो भी सीख के कर लेगा, लेकिन खराब को अच्छा करना आना चाहिए आप में वो एबिलिटी हो कि आप खराब को अच्छा करके दिखाओ, मेरे पास ऐसे स्कूल के बच्चे बैठे होते हैं, आप कहाँ पढ़ाते हैं वृंदा? मैं अभी वाईपीएस में मोहाली में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एंड आर्ट पढ़ा रहे हैं? हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट। क्राफ्ट भी मैंने शुरू करवाया, मतलब मेरी पोस्टिंग वो क्राफ्ट की थी, तो टीचर्स बोलते हैं कि सर यहाँ पहले क्राफ्ट होता नहीं था, तो अभी 4 साल हो गए कराते हैं मेरे को, तो काफी मजा आता है पढ़ाने में वहाँ पे। आपको टीचिंग बहुत पसंद है? हाँ जी, टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट 6-8 है और एज ए हॉबी वो सीनियर लेवल पे 9-12। क्ले मॉडलिंग हॉबी लास्ट ईयर से शुरू हुई है। वो भी आपने शुरू कराई है? हाँ, एक्चुअली वहाँ पे एक मैडम थे बोर्डिंग हाउस में, वो हॉबी इंचार्ज थे, तो उनको पता था कि मैं काम कराता हूँ बच्चों से, उनको काम बड़ा अच्छा लगता था और उनको पता था कि मेरे पास स्कल्पचर था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तूने ये कराना है, वो पहले से डिसाइड करके बैठ गई, कहती है क्ले मॉडलिंग हॉबी है अगले साल से हो रही है हम बाहर से ला रहे तेरे को करनी है, मैं डर गया कि मेरे को कैसे करनी है, कह रहे नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट कुछ नहीं है, कह रहे नहीं जैसी भी है तूने ही करनी है, तुझे कराने मना नहीं करेगा, तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी सारे स्कूल डरता था उनसे तो मैंने कहा ठीक है मैम करा लूँगा, कह रहे पक्का करा लेगा, मैंने कहा ठीक है, फिर एक बात में वार्निंग दी, कह रहे कि एक चीज़ है हॉबी वाले दिन छुट्टी मत कर दी हूँ तेरी खैर नहीं है, मैंने कहा ठीक है मैम हॉबी वाले दिन छुट्टी नहीं होगी, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जब बैच मिला वो आर्ट में नहीं करते थे कुछ शौक, मतलब उन्होंने सुना नई चीज़ें तो उन्होंने वहाँ से वो ले लिया, फिर प्रॉब्लम थी स्पेस की कहाँ पे है, क्योंकि हमारे स्कूल में क्ले मॉडलिंग हॉबी के लिए स्पेस नहीं था, वो स्टोर रूम था, एक स्टोर रूम खाली कराया, वहाँ पे लाइट नहीं है,
डोर तो खुला है, बस वहीं से लाइट आ रही है, वहाँ पे बेंचेस डाल रही, कुछ भी नहीं था, वहाँ से स्टार्ट किया। तो शुरू से में बड़ा फन हो रहा था, बच्चे अजीब अजीब चीज़ें बनाते थे, फिर उनको सिखाया, उनको रिलीफ बताया कैसे होता है, छोटी छोटी प्लेट्स बनवाई। मैंने कहा चलो बड़ा काम मत करो, पहले छोटे काम से करो। बच्चे भी जैसे हम थे, हम भी अपने अपने बच्चे होते थे कि कैसे क्या करें, तो बच्चे पूछते थे सर क्या बनाए कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है कोई भी फॉर्म ले लो, तो अब उनको फॉर्म समझना है। मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ, चलो ऐसे करो। अपना सारा एक्सपीरियंस अब यहाँ भी। हाँ, पर स्कल्पचिंग साथ साथ चल रही है वीरेंद्र, क्या कर रहे हो इन द फील्ड? अभी मैं जो मेरी थीम है उस पर काम कर रहा हूँ। क्या मैं अभी सोशल वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा हूँ, सोशल वैल्यूज पे। और अभी जो मैं इंस्टॉलेशन में काम कर रहा हूँ, मोस्टली अच्छा। मेरा काम अभी इंस्टॉलेशन में है। अच्छा। ये मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट किया था मास्टर्स के दौरान, okay. जब मैंने यहाँ से मास्टर्स किया, okay. क्योंकि मैं कुछ नया करना चाहता था, okay. तो नया कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी मटेरियल की शॉर्टेज थी, okay. जब यहाँ से बीएफए करके घर गया तो प्रॉब्लम फिर दोबारा वही शुरू हुई, कि कैसे सर्वाइव करना है। मैंने एमएफए की जस्ट बिकॉज ऑफ माई सर श्री बी एस चौहान सर। मैं घर बैठा मैं परेशान था, पैसे नहीं थे, मैं कैसे दोबारा एडमिशन लूँ। पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं अब तू घर आ गया ना, अब तू वापस नहीं जाएगा, यहीं जॉब कर कहीं। ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की एक पोस्ट निकली केंद्रीय विद्यालय की, वहीं पे मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरा मन नहीं था, मेरे को ही था, क्योंकि सर बोलते थे कि मास्टर्स कर ले अभी, बाद में नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगी, अभी तो हो जाएगी। जैसे मैं सर के पास बैठा हूँ, बैठा मैं बात कर रहा, मैंने कहा सर कैसे करूँ घर, मैं चंडीगढ़ कैसे जाऊँ, चंडीगढ़ जाने के लिए बस फेयर भी नहीं मेरे पास। तब सर ने मेरे को 500 रुपीज़ उस वक्त निकाले, कह रहे ये लेके जा अपना फॉर्म भर, फीस में से ले जाना। मैंने उसी वक्त घर गया, शाम को पैक किया, रात को बस पकड़ के निकला है। मैंने घर में ये भी नहीं बोला कि मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बस। फिर तो, मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैंने मास्टर्स किया। तो एमएफए के बाद ये इंस्टॉलेशन वर्क एमएफए के दौरान शुरू किया। एंड थीम इज सोशल वैल्यूज। हाँ, तो स्टार्ट किया था मैंने टेराकोटा पीसीस से। मैंने मार्केट जा करके ब्रोकन पॉट्स खरीदे, तो पूरा ऑटो भर करके मैं पॉट्स लेके आया था। फिर मैं कॉलेज के पास जो फाउंड्री है वहाँ पे बैठ गया, ग्राइंडर से मैंने पीसेस कट किए। मेरे को लगता था इजी है, टेराकोटा कट जाएगा, लेकिन इजी नहीं है। पॉट को काटना बहुत टफ है, तोड़ना बहुत आसान है, वो स्टोन से भी ज्यादा हार्ड लगता है जब कटर लगाते हैं उसपे। फिर मेरे को पूरा 4-5 महीने लगे मेरे को पूरा इंस्टॉल करने में, क्योंकि पीसेस बड़े हार्ड होते थे, कटिंग करना इजी नहीं है, फिर उन्हीं शेप में काटना है। फिर मैंने बहुत सारे पीसेस, सैकड़ों पीसेस मैंने काट लिए, उसको साथ साथ वहीं फाउंड्री में अरेंज करता चला गया। मेरे फॉर्म मेरे माइंड में थी, क्योंकि वो फॉर्म मैं पहले से ही पेपर में कर चुका था, प्रैक्टिस मैंने कर ली थी। मैंने कहा चलो ये तो मैं कर लूँगा, बात ये थी वो पीसेस कब फिनिश होंगे। फिर वो मैंने इंस्टॉल किया, फिर जब मैंने देखा पूरा 8 फीट की इंस्टॉलेशन हो गई है, टॉपिक मेरे पास था, थीम थी, थ्योरी भी थी उसकी पूरी, मैंने कैसे क्या एक्सप्लेन करना है, ये था कि इसको उठाऊँ कैसे, काम बड़ा हो गया। फिर मैंने एक एक पीस की नंबरिंग की, एक एक पीस की मार्केट से सारे पीसेस से नंबर करके उनको एक बड़े से बॉक्स में डाल दिया। फिर एनुअल जो हमारा एग्जीबिशन होती है उसमें मैंने फिर डिस्प्ले किया था। तो आजकल उसी पे काम कर रहे हो? आजकल मैं सिगरेट केस लेके काम कर रहा हूँ। सिगरेट थीम वही है, ओके। थोड़ा सा जो मटेरियल है वो चेंज हो गया है, ओके, ओके। और सिगरेट का भी ऐसा है कि मैं हॉस्टल में एमएफए था, तो सीनियर आते थे रूम में, उन्होंने स्मोक करना है, उसके साथ मेरे क्लासमेट्स आते थे और फ्रेंड्स आते थे, तो बहुत स्मोक करते थे, मैं परेशान हो जाता था स्मोकिंग से। ऐसा होता कि पूरे रूम में पूरा स्मोक फैल गया है, मैं रूम छोड़ के चला जाता था। फिर वहाँ से एक दिन मेरे को आइडिया लगा कि क्यों ना इसी थीम पे काम किया जाए, मतलब थीम तो वही थी लेकिन इस कंटेंट को लेकर काम किया जाए। फिर वहाँ से मैंने वो सिगरेट के बॉक्सेस इकट्ठे शुरू किए, सीनियर्स थे उनको बोला कि ऐसे ऐसे इकट्ठे करने हैं, फिर साइकिल लेके 22 जाना है, वहाँ पे एक शॉपकीपर से बात की, वो इकट्ठे रखता था पैकेट पैकेट में, पूरा हर रोज चार पाँच लेके आ रहा हूँ। टफ होता है, टफ ही होता है, आपको सिगरेट केस एक दिन मिल जाएगा, दूसरे मिल जाएगा, तीसरे दिन सोचता बंदा यार ये इस खाली बॉक्स का करके आ रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अगले दिन मना कर देता था। लेकिन एक था दुकानदार जिसने मेरे को बहुत हेल्प की। तो ये आइडिया हॉस्टल से आया था आपको, स्मोकिंग वाला जो था? हाँ जी। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो वीरेंद्र, मतलब कैसे बनाओगे, कैसे स्कल्पचर कैसे बनाओगे? अभी जो मैंने रिसेंटली किया है इसमें पेपर पाइप वेस्टेज पाइप जो मोस्टली मैं वेस्ट मटेरियल ही यूज करता हूँ। अच्छा, तो वेस्ट पाइप को लेके आया, इसको सिगरेट की फॉर्म जैसे सिगरेट फॉर्म होती है वैसे इसको पेंट किया। अच्छा। जो बॉक्सेस होते हैं उससे दूसरी फॉर्म क्रिएट होती है, जैसे मैं बॉक्सेस को लेके जैसे अभी मैंने काम लिया है तो उसमें एक स्टैंडिंग टेबल बनाया, तो उसमें उन सबको सीक्वेंस में अरेंज किया, पेस्ट किया, फिर वो जब सारे
मेरे जो फॉर्म्स होते हैं इकट्ठे जाते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करता हूँ मैं। स्टेयर्स मैंने एक बनाई है काम में, स्टेप्स दिखाया इसमें, तो उसमें दो पाइप लगा दिया ऐसे, बीच में जो स्टेप्स होते हैं वो सिगरेट केस से होते हैं खाली, उनको जोड़ करके वो स्टेप्स डाल दिए। साथ में जो माचिस की तीलियाँ होती हैं मैं इसको उनको भी इसमें लगाता हूँ। तो वायर का मैंने मोल्ड करके उसके ऊपर एमसी लगा करके वो फॉर्म क्रिएट किए, और वो मैं एज ए लाइफ शो करता हूँ उसमें। काम में जो लाइफ है हमारी आज की डेट में, जब मैं फील करता हूँ कि हमारी लाइफ बहुत सारी बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो पैशन हो गया है या फिर लोग उस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो ये चीज़ मैं इसमें दिखाता हूँ अपने काम में कि जो सिगरेट केस है वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट में मेरे लिए नहीं है, वो तो एक ये है कि एक बुराई है, बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमारे अंदर हैं या जो हम देख रहे हैं, हमें पता होता है खराब चीज़ है लेकिन हम तब भी उसको करते हैं। तो यही सब चीज़ें मेरे काम में जुड़ी हुई हैं, हमारी लाइफ उस तरफ को जा रही है, तो मेरे डिस्प्ले में वही चीज़ होती है। तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा यूज करते हो आप इंस्टेड ऑफ स्टोन और क्ले जो पहले यूज करते थे? ओके, स्टोन अभी भी कर रहा हूँ, मेरे घर में एक स्टोन पड़ा हुआ है जहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, तो उसको अभी भी कर रहा हूँ मैं। उस पे क्या कर रहे हैं? उसमें एक बेसिक फॉर्म है, एक एनिमल फॉर्म है, उस पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो जो मेरे बेसिक पहले के मैकेट्स हैं वो भी अभी चल रहे हैं, जो नया कर रहा हूँ वो भी चल रहा है। तो काम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली? हाँ जी, वुडन लॉग्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, वुड पे कार्व कर रहा हूँ, कार्विंग। हाँ, जो वुड पे कार्व कर रहा हूँ वो मेरे नेक नई जो थीम है उस पर काम कर रहा हूँ। वो क्या थीम है? जैसे मैंने अभी वर्कशॉप में किया था वही सोशल एलिमेंट्स को लेकर काम कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेरा फॉर्म है बायोमॉर्फिक है, पहले मेरा एकेडमिक था बीएफए के टाइम में, क्योंकि उस टाइम मैंने सीखा है, फिर बाद में मैंने इसको मास्टर्स में जाके मास्टर्स के एंड में जाके मैंने एक्सप्लोर किया है। तो अभी जो मेरी फॉर्म है बायोमॉर्फिक फॉर्म है, उसके ऊपर फिर मैं इंस्टॉल करता हूँ पीसेस। ओके ओके, फॉर्म पे पीसेस? हाँ, मैंने टेराकोटा के पीसेस बना करके इंस्टॉल किए, जो स्मोकिंग एलिमेंट होता है चिलमी जो होती है सल्फे की, वो लगाई है, भी मेटल में कुछ किया है और अभी और भी कर रहा हूँ। तो पहले बेसिक जो फॉर्म है उसको वुड में कार्व कर लिया, उसके बाद फिर उसके बाद मेटल को इंस्टॉल कर लिया। ओके, सो ऑल मटेरियल्स यू आर कंफर्टेबल इन ऑल मटेरियल्स और एक्सप्लोर करते रहते हैं नए मटेरियल्स? हाँ जी, हाँ जी, हर मीडियम में काम किया है, सीमेंट में भी काम किया हुआ है। ओके, सीमेंट में होलोकास्ट किया है। अच्छा, और जब मैंने वो सेकंड ईयर में होलोकास्ट किया था सीमेंट में, पोर्ट्रेट किया था, तब वहाँ टीचर्स भी थे, सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, सब बोलते थे कि होलोकास्ट किसी ने नहीं किया, सब सॉलिड करते हैं। तो मेरे लिए वो स्टेप नया था, तो मैंने होलोकास्ट भी किया सीमेंट में पोर्ट्रेट, फिर वो पोर्ट्रेट मैं घर लेके गया हूँ अपने गुरु जी को, वो दे दिया मैंने। तो आगे कुछ नया कुछ और काम जो आगे है, मैं कुछ बड़े काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। सिगरेट केस को लेके, दूसरा सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी मेरा जो माइंड में है कि मैं बड़े बड़े वुड के पैनल जो पीसीज हैं उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर इसी सीरीज पे काम करूंगा। okay. तो बाद में असेंबल हो जाएंगे। अच्छा, एंड दिल बी वन इंस्टॉलेशन? हाँ जी, कुछ म्यूरल कैटेगरी का कुछ काम करना चाह रहा हूँ अभी, जो वॉल पे भी हैंग हो जाए। अच्छा अच्छा, फंक्शनल वर्क और ऑब्जेक्ट्स को लेकर कंस्ट्रक्टिव वर्क? कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, थैंक यू।